गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो हम ये बापरे ये स्टैंड यहाँ पे क्यों फेंका हुआ है? गिर गया हवा से बापरे। यहाँ पे तो मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग ही इतनी खतरनाक हो गई है पहले ही शॉकिंग इम्प्रेशन के साथ में। तो अब यहाँ पे हम आराम से बैठ के अपना व्लॉग शूट कर सकते हैं क्योंकि काम सब कुछ निपट चुका है। साग बनने के लिए हमारे गैस में चढ़ा हुआ है तो वो बनता रहेगा आराम से, और यहाँ पे हमारा व्लॉग शूट भी होता रहेगा। और यहाँ पे ये तुम्हारे लड़के ने तो नहीं गिराया कहीं नीचे? कहीं जा रहे वो शायद, दुकान से नहीं जा रहे? आराम से, ऐसे में फट जाएगा वो, थोड़ा आराम से ही करो। तो जब तक हमारा खाना बनता है हम यहाँ पे आराम से ब्लॉग शूट करेंगे। मैं सोच रही थी ऊपर चलते थोड़ा सा खेत में, क्योंकि साग बनने में टाइम लगेगा, तब तक हम आ भी जाएंगे। चले क्या तुरंत? फटाफट चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी यहाँ से हमको चले जाना चाहिए। आज पता है हमने क्या किया? आज मैंने 2-3 ज़्यादा भी नहीं बनाए, 2-3 शॉर्ट्स वीडियो बनाए। उसके लिए पता है कितनी हमको तैयारी करनी पड़ी? हमने बाहर ही बनाया तो यहाँ पे भी हमने पूरा कवर किया हुआ था, यहाँ पे सारी चटाइयाँ वगैरह लटका के रखी थी, इधर हमने ग्रीन पर्दा लगा रखा था, और यहाँ पे मेरा व्लॉग सॉरी शॉर्ट्स वीडियो मैंने शूट किया अपना। पर थक लग गई यार इतने में, साला 2 वीडियो में डांस नाच के ही मैं थक चुकी हूँ। कुछ खास ऐसा बनाया भी नहीं। ओह माय गॉड, मुझे दरवाज़ा पहले बंद करना पड़ेगा वरना बिल्ली अंदर चली जाएगी। तो अब चलती हूँ थोड़ा सा। आइए, पता नहीं क्या कर रहा है ये नीचे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा घर के पीछे आपको लेके चलती हूँ बढ़िया से। यहाँ पे थोड़ी सी छांव भी है और बढ़िया भी है। ये देखो यहाँ पे हमारा आम का पेड़, इसके नीचे कभी एक टाइम था जब हम हमारे घर पे भी था ना, सब अमरूद का पेड़ है हमारे यहाँ। तो मायके में अमरूद तो हमने खाए नहीं अपने घर के, लेकिन फिर भी हम पेड़ पे चढ़े रहते थे, बैठे रहते। सुबह बचपन में स्टार्टिंग में खाती थी मैं, अब तो मैं किसी भी तरीके का कोई फल फ्रूट कुछ नहीं खाती। पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता, टेस्ट अच्छा लगता है लेकिन फिर भी नहीं खाती। मुंह पे रख दिया जाए मेरे कि ले खा ले, मेरे को फिर भी पसंद नहीं है। टेस्ट अच्छा है पर नहीं है, पता नहीं क्यों मेरे को खाने में आलस आता है, क्यों नहीं खाती वो तो मैं भी नहीं जानती। जबकि टेस्ट पसंद है, अंगूर खाती हूँ मैं, लीची भी अच्छा लगता है, पर इच्छा नहीं करती मेरी, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों को खाने का जो है शौक़ नहीं है। इसी वजह से मैं इतनी सुकड़ी हूँ, क्योंकि अगर सब कुछ खाया होता तो ताकत आती, और मेरा बच्चा भी बिल्कुल मेरे जैसे बन रहा है। कुछ खा नहीं रहा, पी नहीं रहा। बीच में वो ठीक बन गया था क्योंकि वो दलिया खाता था, सेमियाँ खाता था, बहुत सारी चीज़ें मैं उसको बना के देती थी। अब आजकल वो कुछ खा ही नहीं रहा, मैं उसके लिए बनाती हूँ, पूरा का पूरा वेस्ट हो जा रहा है, नहीं खा रहा। तो अब वो केवल सेरेलेक पे जो है अपना गुजारा बसारा कर रहा है। इसको जूते पहना दो, नंगे पैर घूम रहा है। अभी तो इसको नींद आ रही थी, अभी इसको नींद आ रही थी, लेकिन अब ये फिर से उठ चुका है यार, अब सो नहीं रहा है। क्या बोले, मानता नहीं है कहना बिल्कुल भी। अरे हस्बैंड कहाँ गए मेरे, इस पे नज़र क्यों नहीं रख रहे, क्या कर रहे हो? चलिए आज जिन्होंने मेरे हस्बैंड को नहीं देखा है, जो नए लोग देख रहे होंगे मेरी वीडियोस पे, थोड़ा सा आप अपनी खूबसूरत शक्ल दिखाएंगे मेरे वीडियो पे, थोड़ा सा हाय हेलो कर दीजिए। वाह, शक्ल दिखाने के लिए अच्छे कपड़े पहनो मेरे हस्बैंड का डायलॉग है ये। ओह माय गॉड, बस 1-2 महीने ही बचे हैं, उसके बाद शायद मैं भी इनके साथ चले जाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 महीने, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा टाइम, इससे पीछे नहीं होगा। तो उसके बाद मैं भी इनके साथ में रहूँगी और मेरा बच्चा भी, उसके बाद देखेंगे सालों साल वही रहेंगे। अगर बाई चांस ये हैदराबाद ही लगे तो वहाँ तो इनको बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब वो खुद करेंगे फ्री में, फ्री, और वहीं रहेंगे हम किराए पे कमरा लेके मस्त। तब तक हम यहाँ पे ही रहेंगे, बस मेरा वाईफाई का टेंशन हो रहा है मेरे को, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ से चले जाएंगे तो वाईफाई यहीं रह जाएगा हमारा। कोशिश करेंगे उससे पहले अपना चैनल मोनेटाइज करवाने की, डेली वीडियो डालूंगी और
खूब सारी वायरल करवा दो आप मेरी वीडियोस को, मजा आ जाए फिर तो। अया इसको जूते पहना दो, वो नंगे पैर घूम रहा। इधर आ, इधर आ जल्दी जल्दी, आप पिटाई हो जाएगी नहीं तो। इधर आ ले, आ देखो गुस्सा कौन। इधर आ, वो बिको नया म्यार जन। इधर आ, देखो आ एक एक्शन देखो, और देखो गुस्सा कैसा है ये नकलची बांदर। मैं कर रही हूँ, इधर आ, वो भी कर रहा है। अरे यार दरवाजा मत खोलो, बिल्ली चली जाएगी अंदर। बंद भी कर दो साथ साथ। दूध मैंने वैसे ही रखा हुआ है। चलिए, एक तो उल्टा पड़ रहा है ना, अगर मैं ऐसे लेके चलूंगी कैमरा, धूप इधर से आ रही है, रोशनी इधर से पड़ रही है मेरे फेस पे। अब मैं ऐसे उल्टा तो चल नहीं सकती इस मीन पे, क्योंकि मैं नीचे गिर जाऊंगी। यहाँ पे बहुत ही पतली मीन है हमारी। मैं सोच रही थी थोड़ा वहाँ पे जाती है, बढ़िया सा अच्छी लोकेशन है वहाँ पे ब्लॉग शूट करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। खैर यहाँ पे अच्छा लग रहा है, पीछे से पूरा हरियाली नज़र आ रहा है। तो आप लोग कृपया करके मेरे चैनल पे अगर डेली मेरे ब्लॉग देखते हो तो उसके लिए तो पहले तो आपको थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप डेली मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो। जो नए लोग हैं अगर वो देख रहे हैं तो आपके लिए भी थैंक यू सो मच। आप रेगुलर मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरी हर वीडियो को यूं ही देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और आज बार बार मैं उस माइक की टोपी से परेशान आ चुकी हूँ, तो मैंने आज मैंने कहा रहने दो उसको, लगा लगा के मैं थक चुकी हूँ। और यहाँ पे पापा और उसकी उनके बच्चे जो है मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इधर साइड पर बैठे हुए हैं। वहाँ पर घर पर दिख रहा होगा आपको छोटे से, नंगे पैर घूम रहा है बेचारा बच्चा। कल ही मैं, कल नहीं परसों, मेला कब था, कल परसों ही मैं अपने बच्चे के लिए दो जोड़ी चप्पल लेके आई। उससे पहले उसके पास केवल शूज़ वगैरह थे, तीन चार जोड़ी थे, लेकिन अब गर्मियों का मौसम आ रहा है तो उसको थोड़ा हल्का और खुला। अरे इसको तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीना आने पर लगा हुआ है बेचारे को, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी लग रही है। मैं सोच रही हूँ ऐसे ही बैठी रहूँ ब्लॉग शूट करने के लिए। लाओ भाई आम कुटो, लाओ ज़रा पुराने लोग ऐसे बैठ गए जब चार लोगों की वो नहीं लगती थी। वो देखो हलो, जब चार लोग अपना क्या बोलते हैं यार, अपनी मीटिंग फिक्स करते हैं, पुराने लोग तो ऐसे बैठते हैं, वो ऐसी ऐसी बैठ जाते हैं। और चार लोग अगर गप उड़ा रहे थे, हाँ जी क्यों तुम्हार गरम तुम्हार गौरम इन हूँ तन हूँ इन इनके लिए, मतलब पंचायत बिठा दी, मतलब पंचायत तो मी भी सुचू सो या कम से विचार आने में आ जाओ जरा मेरा तो पंचायत आगे आगे बस। अब पानी बटा ले, पानी बटा ले ना क्या मान चढ़ो। यहाँ पे अब हमारी पंचायत बैठ चुकी है, तो लगाओ तब छुई लगाओ, पिनाओ यहाँ हाथों में पिनाओ, फिर पिने निकाल दो। क्या होनो तुम्हारा गाँव माँ, बाल बच्चा ठीक है तुम्हारा? ए बसुर बसुर मुझे धक्का दे दिया, अच्छे खासे कपड़े मेरे गंदे कर दिए पीछे से। और ये कुर्ती मेरी थोड़ी सी ढीली है, ऊपर से फिट है पर यहाँ कमर से काफी ज्यादा ढीली हो रही है। बदला बदला ले लिया हमने के। ओ, यस। आज जब ये मिल आई चुके मेरी वीडियो में, तो चलिए जरा अपना एक रैप सॉन्ग सुना दीजिए, क्योंकि परसों बहुत ही मज़ेदार वीडियो था, आज भी बन जाएगा मेरा व्लॉग बहुत ही मज़ेदार। कृपया करके आप कोई बढ़िया सा व्लॉग सुना देंगे। हाँ बोलिए, माइक चाहिए आपको, निकालो आराम से, आप बोल सकते हैं। सुना दो जरा एक गजब का व्लॉग सॉन्ग सुना दो, कौन सा वाला सुना? वो बढ़िया सा सुना दो कोई भी, तेरा बर्थडे वाला? नहीं नहीं कोई और बढ़िया सा, तगड़ी लाइन हो जिसमें। तगड़ी लाइन, तगड़ी लाइन बोलो कोई भी बढ़िया सी, अच्छा गाना, बढ़िया रैप। ये सब बात खत्म करी थी, ये ऐसा भी था ना कुछ, क्या था वो
कुछ भी बोलो जो भी तुमको याद हो आ रहा हो उस टाइम पे बढ़िया सा है कोई सुनाओ मत बोलिए इनको इस टाइम पे कोई गाना याद नहीं आ रहा है अपना फिलहाल याद नहीं आ रहा है पर कोशिश करो थोड़ा सा एक आध लाइन अगर बोल सकते हैं आप तो माइक मत हटाइए बोलिए बोलो तो सही एक हुआ था ना ऑल ब्लैक रफ्तार का हाँ। उस पे बनाया था ना तो वही गा लो एक लाइन याद आ जाए तो पूरा याद आ जाए एक वाली लाइन तो संभल के मचलती बड़ी है तेरी गाड़ी जो बगल में है कल के ओ हल के है चलते है दिन हो तो डालते है बेबी ऐसे छोटे में तो मेरे घर पलते है इतना तो सीरियस बैठ मेरी कार में दिखा तुझे पास भाई ये तो उसको बनाया था मुझे मैंने यार सोचा कि याद आ जाए अच्छा और कोई याद नहीं आ रहा फिलहाल भूल गए अपना गा लीजिए कोई अपने ही तो है ये अपना ही अच्छा बढ़िया है जो फुल याद हो तुम्हें अगले दिन कल अगले दिन अगले दिन ये याद करके अच्छे से सुनाएंगे आपको प्रॉपर मस्त सुनाऊंगा चल कल ठीक है आज कोई और याद नहीं आ रहा आज के लिए हमें क्षमा करें बर्थडे वाला ही सुना दो चलो बेबी आज 8 सितंबर तेरा बर्थडे विश करूंगा तेरे मुझे अपना नंबर कॉल करूंगा कर यो ना तू हेलो ना हाय बोला ना मुझे सीधे अपने घर के अंदर मजे करेंगे जैसे सात समंदर पार में तेरे फंस गए तेरे भूल गया सब भूल गई कब टाइम से ये बना रहे बहुत साल पहले इन्होंने बनाया था तब से तो ये भूल चुके हैं अपना गाना कोई बात नहीं किसी दिन अच्छे से फुर्सत से पूरा याद करने के बाद आपको सुनाएंगी और यहाँ पे चिमकांडी वहाँ पे बैठा हुआ है कोने में छोटा सा चिमकंडू चिमकू ए बंदरी यो जियो कंपनी बाहर साग देखो जी जरा खरोली बन गया कि ना आज पहली बार 10 मिनट का रिकॉर्ड एक ही बारी में हुआ है वरना दो दो मिनट से ऊपर मेरी वीडियो चलती नहीं है बंद हो जाती है अपने आप तो ऐसी प्रॉब्लम भी है मेरे फ़ोन में आज आराम से आ चप्पल भी निकल गया लबड़िया बाहर पगड़ी के ले जाए खड़ो चप्पल पहन क्या मैं उसको लेके आती हूँ जरा सा हाँ चप्पल ले गया आए नाम ही पिनोल आ जल्दी हाँ चप्पल ले क्या देखो आया चप्पल उठा के आए जरा या कमा में फिर आराम से खड़ो अरे कपड़ा गंदा निकल आ जा चल जा आराम आराम से हीर यहाँ पे आ चप्पल पहनाएंगे तेरे को आले अरे हाथ गला पोड़े ले सर चलिए दोस्तों अब जो है यहाँ पे बैठ के आराम से गुड़ खाया जाए अपने बच्चे को भी मैंने वही दे दिया क्योंकि वो मान नहीं रहा था अब वो आराम से गुड़ खाएगा मैं यहाँ पे आराम से अपनी स्कूटी में बैठी हूँ अब दिख रहा है अरे यहाँ पे बैठ के मैं खाऊंगी बहुत दिनों से नहीं खाया मैंने अंदर रखा हुआ है कप का भाई यहीं पर खेल ले नीचे ओहो अब वो भी आ रहा है ऊपर स्कूटी पर चढ़ने के लिए लम्बे नीचे क्या कहाँ जा रहा है वो भी ऊपर चढ़ चुका है बहुत शौक है उसको स्कूटी में बैठने खा ले खड़ा क्यों हो रहा है गिर जाएगा मच्छर ये देखो ये क्या कर रहा है यहाँ पे मच्छर खराब करेगा क्या उसको पता नहीं क्या क्या रहता है इसमें कूड़ा कबाड़ा
खा ले खत्म हो चुका है, मजा आ गई खा के, मीठा मीठा। अब थोड़ी देर में खाना भी हमारा पकने वाला है, उसके बाद आराम से बैठ के खाएंगे खाना, बहुत ही बढ़िया। वाह मजा आ गई। ये देखो हमारे घर के पीछे का व्यू ऐसा है, ये भी खेत है पीछे, यहाँ से ये ऊपर तक पूरा बढ़िया है ना। यहाँ पे ये केवल जहाँ मैं रहती हूँ बस एक कमरा है ये छोटा सा, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें एक कमरे का सेट है पूरा, किचन लैट्रिन बाथरूम और एक रूम, बस इसी के अंदर हमारा पूरा सामान फिट हो गया है। सामान भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी नहीं है, कूलर है बस, और क्या क्या है, बेड है, डबल बेड, तो पूरा सब कुछ, इन्वर्टर वगैरह सब एक ही कमरे के अंदर फिक्स कर लिया हमने, पर सेटिंग बहुत अच्छे से करी हुई है इसलिए सब कुछ फिक्स आ गया एक साथ, वरना नहीं आता इतने छोटे कमरे में। खा ले क्या कर रहा है बता तू, खा ले ढंग से, चल नीचे उतर तूने फिर से कालू मुंह बना दिया अपना, बाय कर रहा है अगर नीचे उतर तब बस उतर नीचे, जल्दी उतर ले आराम से उतर, क्या डर लग रही, उसको उतरने में थोड़ी डर लग रही है मुझे। चलिए दोस्तों हमारा जो है खाना बन चुका है, तो अब हम दोनों को लग रही है भूख, तो कृपया करके हमको थोड़ा सा पहले खाना खा लेने दीजिए, उसके बाद मैं आगे का ब्लॉग शूट करूंगी स्पेशली आप लोगों के लिए। बाय। खाने के साथ में सलाद बहुत बढ़िया लगता है मुझे, प्याज का, तो आलू गोभी की सब्जी आज हमने बनाई है, तो ये मेरे हस्बैंड के लिए है और ये मेरे लिए है, तो पहले हम जो है अपना खाना पीना कर लेते हैं, उसके बाद आगे का व्लॉग शूट करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करिए प्लीज़। ओके गाइस, तो खाना पीना हम लोग जो है अपना कर चुके हैं, अब हमारे पास फुल टाइम है व्लॉगिंग करने का, नहीं आराम से खर्राटे मार के सोने का, क्योंकि अब हम सबको आ रही है नींद, बच्चा तो मेरा बाहर घूम रहा है और शैतानियाँ कर रहा है, लेकिन उसको भी ज़बरदस्ती सुलाना पड़ेगा, क्योंकि जो है मेरे को तो नींद आ रही है, आज मैं सोना चाहती हूँ आराम से। ये यहाँ पे जो है अपना फ़ोन चला रहे मस्त होके, तो अब खाना खाने के बाद वैसे भी आराम करने की थोड़ी सी इच्छा हो रही है, और नींद तो मुझे पहले से ही आ रही थी, और पेट भी मेरा बहुत ज़्यादा फुल हो चुका है, तो अब मेरे पास व्लॉगिंग करने की जो है ताकत नहीं रही है, तो कृपया करके आज के लिए ये ब्लॉग इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।